Let's cut across to Narendra Modi. He's addressing a rally in Karnataka's Gulbarg district. देश को बर्बाद किया है। अगर देश को बर्बाद न करते तो कांग्रेस पार्टी की बर्बादी नहीं होती। ये कांग्रेस पार्टी अपने पापों के कारण अब मिटने वाली है और देश की जनता बराबर समझ चुकी है कि हमारी जो मुसीबतें हैं उन मुसीबतों का कारण कोई सरकार नहीं है, इन मुसीबतों का कारण सरकार में बैठी हुई कांग्रेस पार्टी है। भाइयों बहनों, आप मुझे कहिए, आप मुझे जवाब देंगे, मेरी बात समझ में आएगी। आप मुझे कहिए भैया, लोकतंत्र में जब चुनाव आते हैं तो चुनाव में राजनीतिक दलों ने अपने काम का हिसाब देना चाहिए। जरा जोर से बोलो, राजनीतिक दलों ने अपने काम का हिसाब देना चाहिए। विपक्ष में है तो विपक्ष का हिसाब देना चाहिए, सरकार में है तो सरकार के काम का हिसाब देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने अपने 10 साल के काम का हिसाब देना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले मैडम यहां आए थे, आए थे ना, क्या उन्होंने अपने काम का हिसाब दिया? दिल्ली सरकार ने दिया इसका जवाब दिया? महंगाई बढ़ रही है इसका जवाब दिया? करप्शन बढ़ रहा है इसका जवाब दिया? देश तबाही की ओर जा रहा है जवाब दिया? हिंदुस्तान की रक्षा करने वाले सेना के जवानों का सर काट लिया गया जवाब दिया? भाइयों बहनों, उत्तराखंड में इतनी बड़ी त्रासदी हो गई, हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग मारे गए, उनकी सरकार ने जवाब दिया? भाइयों बहनों, क्या ये लोकतंत्र है? क्या लोकतंत्र में कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी नेता हो, कितनी ही बड़ी सरकार क्यों ना हो, लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधियों की, राजनीतिक दलों की जिम्मेवारी होती है कि वो पाई पाई का हिसाब दें, पल पल का हिसाब दें, क्या किया, क्यों किया, कैसे किया, कब किया, किसके लिए किया, ये जनता को जवाब देना चाहिए। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी इतना अहंकार सातवें आसमान पर चढ़ा हुआ है, वे देश की जनता को जवाब देना अपना दायित्व नहीं मानते हैं। भाइयों बहनों, मैं इस बार देश की जनता से प्रार्थना करता हूं, कांग्रेस के वादों पर भरोसा मत करना, कांग्रेस की बातों पर भरोसा मत करना, उनके नेताओं पर भरोसा मत करना और उनकी नीयत पर भी कभी भरोसा मत करना। Hold it!
जरा देश की जनता की एक छोटी सी सेवा कर दीजिए। 2004 में कांग्रेस ने क्या वादे किए थे, उनके मैनिफेस्टो में क्या लिखा गया था और उन्होंने उन वादों का क्या किया, उन्होंने जवाब देना चाहिए और आपने जवाब मांगना चाहिए। कोई भी कांग्रेस का नेता अगर चुनाव में आपके पास आता है तो उसको जरा पूछना कि भाई आपकी पार्टी ने वादा किया था, मैडम ने वादा किया था कि अगर दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो 100 दिन में महंगाई कम कर देंगे, 100 दिन में महंगाई कम कर देंगे। क्या भाइयों बहनों वादा निभाया? वादा निभाया? वादा निभाया? उन्होंने वादा खिलाफी की? उन्होंने वादा खिलाफी की? क्या जिन्होंने वादा नहीं निभाया उनको आप निभाना चाहते हो? और इसलिए भाइयों बहनों, जो जनता के साथ धोखा करते हैं, जो जनता की पीठ पे छुरी भोंकते हैं, ऐसे लोगों पर कभी भरोसा मत करना। भाइयों बहनों, काम करते करते गलतियां भी होती हैं, काम करते करते दो चार काम रह भी जाते हैं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो जनता के बीच में जाकर के हम कहते हैं कि भाई ये मैंने पिछली बार कहा था, थोड़ी तकलीफ है, नहीं कर पाया, मुझे एक बार अवसर दो, मैं ठीक कर लूंगा। कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? ये भी नहीं कहते, इनका अहंकार सातवें आसमान पर पहुंचा हुआ है और इसलिए वो इतना भी कहने के लिए तैयार नहीं है। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस पार्टी आज हमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद आती है। अभी मुझे यहां के कार्यकर्ताओं ने विश्व का सबसे ऊंचा स्मारक बनने जा रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, उसके लिए गांव से एकत्र किया हुआ लोहे का एक प्रतीक दिया मुझे। मैं इलाके के सभी गांव के किसानों का आभारी हूं कि कर्नाटक के गांव गांव से सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैच्यू के निर्माण के लिए हर गांव से किसान ने खेत में उपयोग किया हुआ औजार मुझे भेंट में दिया है, मैं आपका आभारी हूं। लेकिन ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू हम क्यों बना रहे हैं? आप मुझे बताइए मेरे गुलबर्गा के भाई, देश 1947 में आजाद हुआ, 1947 में आजाद हुआ, लेकिन आपका गुलबर्गा कब आजाद हुआ था? 1947 में देश आजाद हुआ तब गुलबर्गा आजाद नहीं हुआ था। ये तो सरदार वल्लभ भाई पटेल में दम था कि उन्होंने निजाम को झुकाया और हमारा गुलबर्गा बच गया। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने हैदराबाद के निजाम को झुका दिया और आज आप हिंदुस्तान में भारत मां की जय बोल पा रहे हो। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल न होते तो हैदराबाद जाना होता, गुलबर्गा जाना होता तो पाकिस्तान का वीजा लेना पड़ता, वीजा लेना पड़ता। भाइयों बहनों, सरदार वल्लभ भाई पटेल उस कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते थे जो जोड़ना जानती थी, देश को एक करना जानते थे, राज्यों को मिलाने का काम करते थे,
लेकिन ये 10 नंबरी गांधी दस जनपद उनका निवास स्थान का पता है, इसलिए मैंने 10 नंबरी कहा। ये 10 नंबरी गांधी यहां तेलुगु भाषी लोग भी बहुत रहते हैं। भाइयों बहनों, आंध्र प्रदेश का क्या हाल कर दिया उन्होंने। भाइयों बहनों, तेलंगाना का निर्माण हो ये हम भी चाहते थे, सीमांध्र का भला हो ये हम भी चाहते हैं, लेकिन भाइयों बहनों, ये कांग्रेस पार्टी ऐसी कैसी डॉक्टर है जो बच्चे को तो जन्म दे लेकिन मां को मार दे। तेलुगु भावना, तेलुगु स्पिरिट, तेलुगु गौरव ये मां के रूप होता है। उन्होंने मां को मार करके बच्चे का जन्म देने का पाप किया है। हम मां को भी बचाना चाहते थे, बच्चे को भी बचाना चाहते थे, हम होनहार बच्चे को जन्म देना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी को तोड़ो और राज करो, बांटो और वोट बैंक भरो, इसी का खेल था। मैं तेलंगाना बनने पर तेलंगाना बनाने वालों को बधाई देता हूं। सैकड़ों लोगों ने शहादत की है, सैकड़ों लोगों की शहादत पर तेलंगाना बना है। ये कांग्रेस के कारण तेलंगाना नहीं बना है। जिन जिन लोगों ने शहादत की, बलिदान दिए, इतने लंबे सांसे तक लड़ाई लड़ी, जेलों में जिंदगी गुजारी, यूनिवर्सिटी में सीने पर गोलियां झेली, उन सभी शहीदों को मैं नमन करता हूं। और आज तेलंगाना आगे बढ़े हमारी शुभकामना रहेगी और हमारी जिम्मेवारी भी रहेगी। लेकिन भाइयों बहनों, सीमांध्र भी हिंदुस्तान का उतना ही महत्वपूर्ण अंग है। कांग्रेस पार्टी को वहां पर राजनीतिक लाभ नहीं मिलने वाला है, इसलिए सीमांध्र को उसने अनाथ छोड़ दिया है। दिल्ली में बैठी हुई सरकार के लिए हिंदुस्तान का कोई हिस्सा अनाथ नहीं हो सकता है। सारे के सारे भारत मां के बच्चे हैं और भारत मां की रखवाली करना ये दिल्ली सल्तनत की जिम्मेवारी है, लेकिन उन्होंने इसको नहीं निभाया। मैं आज हैदराबाद के पड़ोस में आकर के इस भूमि से जब बोल रहा हूं, तब मैं हो सके उतना जल्दी सीमांध्र जाऊंगा, वहां के आंसू पोंछने के लिए कोशिश करूंगा। उनके हृदय पर जो घाव लगा है उस घाव को भरने के लिए मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि सीमांध्र हो तेलंगाना हो हमारी ही भारत मां के अंग है। दोनों का कल्याण हो यह हमारी कामना है। और मैं आज यहां बहुत बड़ी मात्रा में तेलुगु भाषी लोग हैं, तो मैं कहना चाहता हूं पड़ोस में हैदराबाद से, पूरे सीमांध्र और तेलंगाना से मैं कहना चाहता हूं, पिछले कई वर्षों से आपके साथ जो जुल्म हुआ है उस जुल्म को मैं भली भांति समझता हूं, आपके दर्द को समझता हूं, आपकी पीड़ा को समझता हूं। 100 दिन का सवाल है, देश की जनता
इस दिल्ली की विभाजनकारी राजनीति करने वाली कांग्रेस पार्टी को उखाड़ करके फेंक देगी और आपके कल्याण के लिए हम कहीं पीछे नहीं रहेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। भाइयों बहनों, कर्नाटक बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन क्या हालत हुआ, क्यों विकास नहीं हो रहा है, क्यों प्रगति नहीं हो रही है। कर्नाटक के कई इलाके हैं जिसके विकास के लिए आज भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, लेकिन भाइयों बहनों, न कर्नाटक में बनी हुई नई सरकार, मतलब पता नहीं अभी भी तो वो फूलमाला ही पहनते घूम रहे, पता नहीं क्या बड़ा, अरे भाई काम करो ना, बहुत फूलमालाएं हो गई, बहुत बहुत सम्मान हो चुके हैं, इतने महीने हो गए, लेकिन कुछ तो करो सरकार के लिए। रेल मंत्री की रेल ठप पड़ी है और मुख्यमंत्री का कारोबार ठप पड़ा है। ऐसे लोग अब उनसे आप भरोसा नहीं कर सकते। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी की दूसरी पहचान है वोट बैंक की राजनीति, कांग्रेस पार्टी की दूसरी पहचान है भ्रष्टाचार की राजनीति, कांग्रेस पार्टी की पहचान है भाई भतीजेवाद की राजनीति, कांग्रेस पार्टी की पहचान है जनता दुखी रहे, गरीब गरीब रहे, उनकी कुर्सी सलामत रहे, यही कांग्रेस पार्टी के कारनामे रहे हैं। कि मुझमें शक्ति है, वो मुझे मार नहीं पाया, मारपीट बंद हो गई, उसी दिन से मारपीट बंद हो गई। तो उसने मुझे सिखाया कि ज्ञान आप में है, आप में ज्यादा है, और मेरी सोच है कि देश को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है जब तक ये जो ज्ञान आपके अंदर है, ये पार्लियामेंट हाउस में घुसे, ये विधानसभा में घुसे, ये प्रधानी में घुसे, ये बिजनेस में घुसे। अब देखिए, यहाँ उद्योगपति हैं, हिंदुस्तान में बड़े 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 500-600 उद्योगपति हैं, उसमें महिलाएं कितनी हैं, महिलाएं कितनी हैं, एक नहीं, ना के बराबर, एक भी नहीं।